यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का एक संकल्प लेने के लिए हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं। आज ये दो कुर्सियां खाली पड़ी है, मीडिया वालों को मैं कहता हूं क्लोजअप लेके रख लेना, ये खाली कुर्सियां ही बीजेपी की सभी कुर्सियां खाली करवाएंगे, देख लेना। भाजपा वालों को मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही झुमला निकली। अब तो यह भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, यह भी झुमला ही होगा, यह भी झूठ ही होगा। यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है, यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का एक संकल्प लेने के लिए हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं। आज बहन कल्पना जी अभी बोल के गई हैं, सुनीता केजरीवाल जी बोल के गई हैं, उन दोनों के साथ क्या हुआ? उन दोनों के पति मुख्यमंत्री थे, हैं मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के पति बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और बहुत एक सामान्य घरों से आए हैं। क्या कसूर है उनका? क्योंकि वो लोगों को सहूलतें देना चाहते थे, अस्पताल बनाना चाहते थे, वो गरीबी मिटाना चाहते थे, वो बेरोजगारी को मिटाना चाहते थे, वो अच्छी शिक्षा देनी चाहते थे, वो बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, वो महिलाओं को मुफ्त में सफर और महिलाओं को कुछ जो भी सहूलतें जो हजार हजार रुपया जा घर में महंगाई के समय मिलना चाहिए वो देना चाहते थे, उठा के जेल में फेंक दिया भाई साहब। ऐसे ऐसे आवाज दबा लोगे? अरे अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कहां कैद करोगे मोदी जी? ये दो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये दो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, मीडिया वालों को मैं कहता हूं क्लोजअप लेके रख लेना, ये खाली कुर्सियां ही बीजेपी की सभी कुर्सियां खाली करवाएंगे, देख लेना। इन्होंने समझ क्या रखा है देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, देशभक्त लोगों का देश है। ये समझते हैं हम जेल में डाल के आवाज दबा लेंगे, हम जेल में डाल के पार्टी खत्म कर देंगे, किसी के एमएलए तोड़ दो, किसी के एमपी खरीद लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, सामने कोई लड़ी ना पाए। अरे भाई अगर आपको मोदी की लहर पर इतना ही यकीन है तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों से देशभक्त लोगों से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? और कसूर कोई नहीं है। 6 महीने बाद संजय सिंह जी को ईडी ने क्या कहा? 6 महीने बाद कहा हमारे पास सबूत नहीं है जी, छोड़ दो। ऐसे ही हेमंत सोरेन के बारे में कहेंगे, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहेंगे। बस ये डर है क्योंकि ये लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है, ये डर है बस इनको, ये डर है और कोई डर नहीं। उनको मैं कहना चाहता हूं, भाजपा वालों को मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। इनका क्या क्या बताएं, हर बात पे झुमला, हर बात पे झुमला, हर बात पे झूठ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। अभी और जुमले आने वाले हैं, और जुमले आने वाले हैं, देखना आप। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही झुमला निकली। अब तो यह भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, यह भी झुमला ही होगा, यह भी झूठ ही होगा। इतने बड़े बड़े नेता, किसी की पार्टी खत्म कर दो, किसी का चुनाव चिन्ह छीन लो,
किसी को किसी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के एमपी खरीद लो, एमएलए खरीद लो, पार्षद खरीद लो, यही काम है इनका काम, ये खरीदो फरोख्त का काम करते हैं बस। तो इनसे इनके जुमलों में मत आना, इनके जुमलों में मत आना, ये आने वाले इलेक्शन में जहां भी आपको इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार मिले वहां पे बटन दबाना है, देश को बचाना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।